जा रहा हो और बेटा जरा मोहब्बत से कहता है, ओ मेरे अब्बू जी, बाप को रकम आ जाता है, बाप की मोहब्बत जोश मारती है। तो अजीज़ तलबा, हम प्यार से अल्लाह को पुकारेंगे, अल्लाह को कितना रकम, हमारे अम्मी से ज़्यादा अल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारे अब्बू से ज़्यादा अल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं। आपके अम्मी अब्बू दूर से ही, लेकिन अल्लाह तो हर वक्त आपके साथ मौजूद है। आवाज से पढ़े, दर के साथ पढ़े, अल्लाह जल्ला जलालु। बिल्कुल आप लोग मेरे साथ पढ़े, Yeah.
अम्मी खाना बना रही होती,
वो माँ का दुपट्टा पकड़ती है, कहती अम्मी तेरा भाई कहाँ? बेटी क्या हुआ? अम्मी मेरी सहेलियां जो है मगरिब का वक्त भी हो चुका, ये मुझे ताना देती है और कहती है देख हम सब के भाई तो ट्यूशन से आ गए, तेरा भाई क्यों नहीं आता रात में घर? क्या तेरे अम्मी अब्बा उससे नाराज है? क्या तेरे अम्मी अब्बा को अच्छा नहीं लगता? माँ क्या आंसू आ जाती वो दोपट्टे अपने आंसू पूछती है और कहती है मेरी बेटी ऐसी बात नहीं है, वो तो मेरा और तेरा अब्बू का बहुत प्यारा है, हमारा जिगर का टुकड़ा है, हमारा लाल है, सब भाई बहनों में उससे ज्यादा मोहब्बत है। बेटी वो हाफिज आलिम बनने के लिए, वो गुनाहों से बचने के लिए, वो अल्लाह को मनाने के लिए, वो हमारे लिए किसके द्वार बनता होगा? माँ बाप को क्या पता हम क्या? रात गफलतों में अब यूं ही जिंदगी गुजारी, किया न कुछ काम आखिरत का, कटी गुनाहों में उम्र सारी, किससे मांगे कहाँ जाए किससे कहे, और दुनिया में हाजत रवा कौन है, सबका दाता है तू सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। कौन मकबूल है कौन मरदूद है, अल्लाह जी क्या पता हम में से कौन आपको पसंद है और कौन आपको ना पसंद है। कौन मकबूल है कौन मरदूद है, खबर क्या खबर तुझको क्या कौन है, जब तुलेंगे अमल मीजान पर, जब तुलेंगे अमल मीजान पर, अल्लाह हम तो इनकम टैक्स वाले को हिसाब नहीं दे सकते, आप तो कैसे हिसाब उस्ताद को अप्पा को जवाब नहीं दे सकते। जब तुलेंगे अमल मीजान पर, तब खुलेगा कि कोटा खरा कौन है, उस वक्त पता चलेगा किसके लिए जिंदगी गुजार है। मदरसे में क्यों आए थे, हाफिज क्यों बने, आलिम क्यों बने, अल्लाह के रास्ते में क्यों गए, उस वक्त पता चलेगा। दीन के खातिर इतनी कुर्बानियां थी तो दिल में क्या नियतें थी, ये सब उस वक्त पता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाए हैं, दुआ करें हैं, कोशिश करें कि अल्लाह को मना के उठा से, अल्लाह को राजी करके उठे, अल्लाह से सुलह करके उठे, अल्लाह को बड़ा करीम पाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क कुल्लिहिम, या अल्लाह रहीम मौला करीम आका, अल्लाह ये अजीज तलबा मेरे सामने बैठे हुए हैं जिनमें बहुत से छोटे छोटे बच्चे भी हैं,
मुझे इतने 8-9 साल के बच्चे की नजर, 10 साल के बच्चे की नजर। अंदर जब ये लोग घर से निकल रहे होते हैं, आखिर होता है घर का जी मंजर होता है, माँ देख भर रही कोई कपड़े अस्त्री कर रहा, अपना नाश्ता देने के लिए है, कभी अम्मा को आज पैसे पर बोल वो माँ कर्जा ले के नाश्ता, अम्मा अलग से पैसे दे और माँ वो थोड़े बहुत पैसे बेटा इन दो तीन महीने से तेरे लिए जमा, तुझे पता है कि माँ गरीब है शोहर कहता भी है कल हम कैसे क्या खाएंगे, तो वो मां कहती हम चटनी रोटी खा रहे, अल्लाह के ऐसा ना हो दया हो जल्दी हो हिसाब किताब का वक्त हो और हुआ हमारा हिसाब चल रहा हो, हमारे अम्मा भी वहाँ खड़े हो और उसमें ये फाइल खुले ये मदरस पुनः वक्तों ने सारी थी, पुनः वक्तों ने उस्ताद की, पुनः वक्तों ने जो पुनः वक्तों ने मेहनत की पड़ी, तुझे मोहब्बत करनी थी ताजदार मदीना से और चुकरी के डरों से मोहब्बत करता रहता था, उस वक्त कहीं हमारा बाप हमारा दामन पकड़ ले, शायद तेरा नाम है आवाज देख करता हमें बाप क्या लड़का, कहीं ऐसा ना हो वो माँ तेरी उम्र का मन बदल कर बेटा तेरे दिल में बच्चे 5-5, 10-10 हज़ार रुपये कमा के लाख के दे, लेकिन तेरे बाप ने तुझे बड़ी मोहब्बत से मदरसे में भेजा थी और वो बीमारियों के बावजूद सारे आप पसीना बहाता था तब जाके घर का चूल्हा जलता था, ये तू क्या कर गया, तू तो अपनी मफ़िरत का भी सवाल न कर बेटा, हम तेरे लिए रोते थे किसी ने हमारे लिए दुआई नहीं की थी, बहन कहीं हमारा दामन रख सारी सहेलियां मुझे ताना देती थी, अब हम घर में अपने भाई के साथ खेलेंगे, मेरा भाई का दीदी मेरा भाई बच्चा को मनाने के लिए गया, भाई तुम अच्छे से मैं जानती थी अल्लाह का वली तो बन सका इतना अच्छा मौका तू रहता है घर में अच्छा खाना बनता था, अपनी खाना नहीं खाते हमें खिलाते थे वो नहीं खाते, भाई तुम तो घर आने वाला होता था बाकी होते थे घर में जो भी अच्छा बनता थोड़ा देर, अल्लाह अल्लाह हमें वाले ने इतनी कदरदारी की टोपी तपा वो क्यों भी दो से बढ़ के बना अल्लाह अपना वली बना अभी बना रहे अभी बना रहे अभी बना रहे बात करते करते तो बहुत पर गुजर गया, अल्लाह अल्लाह वो कब तो आएगा, आपके आप में दीवाने हो गए आपके आप में आशिक हो गए आपकी आप में रहने वाले हो गए, अल्लाह ये उनके मेहमान हैं किला हाजिर हैं इनमें से हर एक को दी खिदमत के लिए कबूल फरमा रहे हैं, इन्हें वाकई में दीन बना हम ने कुरान बना आशिक कुरान बना आशिक कुरान बना आशिक कुरान बना आमिर कुरान बना, अल्लाह वैसे हर एक को तेरा वली बना नस्लों में तेरा उलिया पैदा करा, अल्लाह इनसे खूब दिन का काम है तेरे वाले मोटी दरों वालों को कबूल फरमा इस मदरसे को कबूल फरमा हजरत काली अहमद अली साहब के कदमों को कबूल फरमा हाजरी के हसन जून की हिफाजत फरमा, प्यारे अल्लाह ये कितने खुश नसीब है आपने इन्हें मदरसे में पढ़ने के लिए रखा, आपका एहसान है अल्लाह इनके माँ बाप खुश होते होंगे जब आजू बाजू बड़े बच्चे माँ बाप के सामने बोलते होंगे, माँ बाप के सामने
دماغ درازی کرتے ہو گے, اس وقت ماں باپ آپس میں بات کرتے ہو گے, دیکھ یہ بچہ سامنے بولتا ہے, ہمارا بچہ تو مدرسے گیا ہے, بہت اچھا ہے, ادھر آتا ہے, ہماری خدمت کرتا ہے, اللہ ہمیں اس ماں باپ کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا, پوری زندگی ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا, اللہ اس مدرسے پر نظر کرم فرما, نور عنایت فرما, اس مدرسے کو تین دنیا رات کی ترقیات سے مالا مال فرما, اس مدرسے کے بیس کو دارو دارو دیوبند کی طرح خوب آرام و تام فرما, اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگتے سے لے گیا وہ بھی عطا فرما, اس پروگرام کے لائن سے جنہوں نے جس لائن سے محنت نہیں کی ہو اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما کر ان کی نسلوں میں تیرے دین کے دائی پیدا کر, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا اللہ کچھ باتیں مکہ مدینہ کی آئی, یہ طلبا بھی سوچتے ہوں گے پتہ نہیں ہم کب اپنی آنکھوں سے اللہ کا گھر دیکھیں گے, ہمیں کب وہ موقع ملے گا کہ ہم بھی حضور کے روزے کے سامنے کھڑے ہو اور وہاں بڑے ادب سے سلام عرض کر رہے ہو. اللہ ہمیں بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری عطا فرما, اللہ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما, دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما, جب دنیا سے جانے کا وقت آئے جب ہماری آخری گھڑیاں ہو اس وقت نظر کرم فرما دینا, دل آپ کی محبت سے چھلا چھل بھرا ہوا ہو, زبان میں کلمہ طیب ہو, اس حال میں ہم آپ کے دربار میں آ رہے ہو کہ آپ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے ہو اور ہم آپ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہو. اللہ جب ہمیں قبر میں رکھا جائے ہماری مدد فرما دینا, قبر کے سوالات آسان کر دینا, ہماری قبر کو طاقت نگاہ وسیع کر دینا, جنت کی کھڑکی کھول دینا, قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرما دینا, پل صراط پر سے آسانی سے گزروا دینا, حضور کے ہاتھوں جامع کوثر نصیب فرمانا. اللہ جی آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں, اللہ ہمیں جنت میں ہمارے نبی کا پڑوس عطا کہنے سننے میں کچھ کمی زیادہ نکلتی ہو معاف کر دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.